दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए आइडिया के साथ, एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं और अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी लेके आया हूँ, उसके बारे में जानकारी लेके आया हूँ जो बिल्कुल पिटी हुई है और बहुत सारे लोग उनमें निवेश करना चाहते हैं। वो तरह तरह के क्वेरी करते हैं और निवेश करके फंस भी गए हैं, बहुत सारे लोग फंस गए हैं। उनके लिए जो लोग निवेश करके फंस गए हैं और उनके लिए जो निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं बताऊंगा कि वो क्या करती है, क्यों उसकी ऐसी स्थिति है, उसमें रिकवरी के चांसेस क्या हैं और क्या वह एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, अर्थात IFCI की, जो भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी है। दोस्तों, इस सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें, हर चीज को समझें, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपके पैसे को बर्बाद कर सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो देखें। दोस्तों, IFCI क्या करती है? IFCI इंडस्ट्रीज को लोन देती है। इंडस्ट्रीज किसी भी तरह का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, उसको लोन देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना करी थी। दोस्तों, लेकिन आपको मैं बताऊं कि 2007 से लेके 2016 तक, 2007 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 121 रुपया का, और 2009 से लेके 2016 तक इसने कंटिन्यू लगभग 1 रुपया का डिविडेंड दिया, अच्छा डिविडेंड दिया। और पिछले 2016 के बाद से, मतलब 17 से लेके आज तक कोई डिविडेंड नहीं दी है। कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही थी और सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने इनका क्रेडिट डाउन कर दिया, क्योंकि इन पे डेट बढ़ गया और इनका जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो बढ़ गया, जिसके कारण से इनका फिनेंशियल परफॉर्मेंस खराब हो गया। इस यह एक नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है, NBFC है, ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊं कि इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है ये 250 करोड़ के आसपास है। कंपनी लोन देने के अलावा लोन की गारंटी भी लेती है। जैसे कोई कंपनी लोन लिया तो उसका गारंटर भी बनती है, गारंटर बनना इज ऑल्सो ए रिस्की गेम। अब मैं आपको बताऊं इसके फिनेंशियल्स के बारे में, तो आज के डेट में इसका जो मार्केट कैप है 678 करोड़ के आसपास है और बुक वैल्यू 30.50 रुपया के आसपास है। मैं जितने कंपनी में निवेश सलाह देता हूं उसमें बुक वैल्यू का जरूर ध्यान रखता हूं, ताकि कंपनी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसका एसेट बेच के भी उसको हेल्प हो सके, उसकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस में सुधार हो सके। तो इसका बुक वैल्यू 30.55 रुपया है, जबकि इसका आज का मार्केट रेट 4 रुपया है। 4 रुपया पे 30.55 रुपया काफ़ी अच्छा बुक वैल्यू है। PE रेशियो जो है इसका मात्र 2.44 है। क्यों है वो मैं आगे बताता हूँ। 2.44 PE के हिसाब से बहुत ही सस्ता स्टॉक है। इसका 52 पिक हाई लो की बात करें तो 11.40 रुपया का हाई है और 3.10 रुपया का इसका लो है। डिविडेंड देती नहीं है, पहले बता दिया आपको। सेल्स ग्रोथ इसका -14% है। जब पैसे फंस जाते हैं, NPA होने लगते हैं, तो सेल्स ग्रोथ अपने आप गिर जाता है, क्योंकि मनी है ही नहीं किसी को देने के लिए, तो सेल्स कहाँ से आएंगे। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है। ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो -12% है ईयर ऑन ईयर, अर्थात यह आपके पैसे को डैमेज किया है अभी तक एक्चुअल में, ना कि किसी को कमा के दिया है। सबसे पॉजिटिव चीज, सितंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 0 था, लॉस भी 0 था, और दिसंबर क्वार्टर में यह 1.85 रुपया का EPS दिया है। 1.85 रुपया, 4 रुपये के शेयर में 1.85 रुपया का EPS, इसी कारण से उसका PE जो है 2.44 है। कंपनी क्या कर रही थी कि लॉस इतनी हो रही है और लॉस प्रॉफिट हो रही है? कंपनी अपने डेट को कंटिन्यू कम कर रही है। कंपनी डेट कम करने पे पूरा दिमाग लगाई हुई है, और कंपनी अगर अभी तक काफ़ी डेट कम भी की है
तो कंपनी का डेट अगर कम होता है, पिछले 3-4 क्वार्टर में इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस लिहाज से बेहतर रहा है, और कंपनी अगर डेट को मैनेज कर पाती है, कम कर पाती है, तो निश्चित रूप से इसका पुनः एक रिकवरी देखने को मिलेगी, एक अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका शेयर होल्डर पैटर्न की बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 56.42% शेयर है, और इसका इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनका परसेंटेज इसमें 6.1% है, अदर्स के पास 5.46% है। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि इसका एक बहुत ही मेजर स्टॉक स्टेक होल्डर जो है वो LIC ऑफ इंडिया भी है। तो कंपनी में LIC ऑफ इंडिया है, और साथ साथ में कंपनी की एक सब्सिडियरी है, उसका नाम है टूरिस्ट फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और मेरा भी हौसला बढ़ सके। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपने बातों से अवगत जरूर कराइए। इसके बाद मैं बताता हूँ, तो इसका जो एक सब्सिडियरी है उसका नाम है टूरिज्म फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया TFCI, जो जिसका प्रमोटर IFCI है। तो उस TFCI में IFCI ने कंटिन्यू अपना स्टेट बेचा है। जब जब वो राइज करती है कंपनी, TFCI बहुत अच्छी कंपनी है, मैं उसमें पैसा भी कमाया हूँ और उसमें कभी मैं शेयर होल्डर था, तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो उसमें जब जब वो राइज पे गई है तो IFCI अपना स्टेक मार्केट में बेच के उससे भी लोन सधाने का काम की होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे जो जो इसका एसेट है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करके, वैल्यू अनलॉकिंग करके और दूसरे दूसरे तरीके से अपने कॉस्ट कटिंग करके ये अपना डेट कम करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों एक चांस लगता है कि इसमें जो पिछले दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है 2 रुपया का IPS, उसके हिसाब से तो लगता है अगले क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। कोरोना क्राइसिस का असर इस पर भी होना है, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको ये 2 से 3 गुना रिटर्न दे सकता है, ऐसा मेरा मत है। लेकिन मैं पेनी स्टॉक को लाइक नहीं करता हूँ, यह 10 रुपये से नीचे का जो स्टॉक होता है वो पेनी स्टॉक होता है, इसलिए पेनी स्टॉक में निवेश करने से बचिए। लेकिन जो निवेश करना चाहते हैं या जो निवेश करके फंसे हुए हैं उनके लिए, मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें रिकवरी के पूरे पूरे चांसेस फिनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से बन रहे हैं। पर्दे के पीछे क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक जो पिछले 3-4 क्वार्टर का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इसमें रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। ये बहुत लंबे समय में 2-3 साल में 2 गुना से 3 गुना रिटर्न आपको दे सकता है। और जिन लोगों को नया निवेश करना है उनके लिए कहूँगा कि वो अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके या अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही निवेश करें, क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत ज़्यादा जोखिम वाला होता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और पुनः अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए एनर्जी के साथ आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।